मित्रों, आपने कॉमन सिविल कोड के बारे में अवश्य ही सुना होगा, जिस पर कि वाद विवाद होता ही रहता है। परंतु आज हम आपको कॉमन बिल्डिंग कोड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू कर दिया है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको कॉमन बिल्डिंग कोड की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कैसा होगा कॉमन बिल्डिंग कोड, कहां पर होगा यह कोड लागू, किन पर पड़ेगा इस कॉमन बिल्डिंग कोड का प्रभाव व क्या होगा इस कॉमन बिल्डिंग कोड का लाभ। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ नगर एक विशेष स्वरूप में दिखाई देते हैं, अथवा कुछ विशेष क्षेत्र एक रंग में दिखते हैं, या उनकी संरचना कभी कभी एक ही जैसी होती है। कभी कभी हम किसी एक बाजार में जाते हैं तो उनके साइनबोर्ड, दुकानों के रंग आदि एक प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का कनॉट प्लेस, लखनऊ का हजरतगंज व वाराणसी का गोदौलिया दशाश्वमेध मार्केट इत्यादि, जो उस स्थान की विशिष्ट अनुभव आपको कराता है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक मॉडल नगर के तौर पर विकसित करने के लिए महायोजना 2031 के प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू करने को भी कहा है। महायोजना के अंतर्गत अयोध्या को इको फ्रेंडली और सोलर नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था। महायोजना 2031 की जानकारी देने से पहले हम आपको कॉमन बिल्डिंग कोड की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राम जन्मभूमि के साथ साथ उसके आसपास का क्षेत्र भी भव्यता का प्रतीक होगा। कॉमन बिल्डिंग कोड के लिए जन्मभूमि से 300 मीटर के क्षेत्र तक 7.5 मीटर से 15.5 मीटर ऊंचे भवन ही निर्मित किए जा सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के अनुसार अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाएगा। इसी के चलते राम मंदिर के आसपास मंदिर व पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। राम जन्मभूमि के आसपास के 300 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी, यहाँ कोई नया निर्माण नहीं हो सकेगा। इस क्षेत्र के सभी भवन एक ही रंग व एक ही आकृति में होंगे। राम जन्मभूमि परिसर की अंतिम सीमा से 300 मीटर तक की दूरी को निषिद्ध व नियंत्रित सीमा के मध्य में बांटा गया है। मंदिर की अंतिम सीमा के पश्चात 100 मीटर की परिधि निषिद्ध क्षेत्र कहलाएगी। 100 मीटर के पश्चात का 200 मीटर का क्षेत्रफल नियंत्रित सीमा कहलाएगा। यहाँ कॉमन बिल्डिंग कोड भी लागू होगा। इन भवनों का अग्रभाग एक जैसा होगा। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस प्रथम 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं हो सकेगा। यहाँ जो भी भवन होंगे उनकी अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर की ही होगी। इसके पश्चात के 200 मीटर में भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15.5 मीटर की ही होगी। इस सीमा में जो भी भवन होंगे उन सबकी डिजाइन एक ही प्रकार की होगी। भवन व आश्रम की वास्तुकला को भी समान रूप प्रदान किया जाएगा। सभी को एक रंग में रंगा जाएगा। इन भवनों में भव्य नक्काशी भी की जाएगी। इनके अग्रभाग को इस प्रकार से सजाया जाएगा कि इन्हें देखते ही रामायण युग का अनुभव हो। बता दें कि श्री राम मंदिर का क्षेत्रफल अभी 70 एकड़ में है। ट्रस्ट मंदिर के परिसर के विस्तार की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर का क्षेत्रफल मिलने के पश्चात चारों ओर से अंतिम सीमा का निर्धारण हो जाएगा। अंतिम सीमा फाइनल होते ही यह नई नियमावली पर कार्य आरंभ हो जाएगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसी होगी यह नई नियमावली, तो आपको हम बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर के बाहर 100 मीटर की दूरी तक की किसी भी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। 100 मीटर के पश्चात अगले 200 मीटर के क्षेत्र को निषेधाज्ञा की सीमा में लाकर नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। निषेधाज्ञा का क्षेत्र राम जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर तक का होगा। यही नहीं, राम मंदिर से सटे क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने की भी योजना है, और इसके लिए राम नगरी के वातावरण को शुद्ध रखने पर भी फोकस है। राम मंदिर के आसपास त्रिस्तरीय हरियाली विकसित की जाएगी। मंदिर का क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो, ऐसी योजना है।
सरयू घाटों से लेकर पूरी अयोध्या में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने वाली तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रामकथा पार्क से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो श्रद्धालुओं को रामलला सहित रामनगरी के अन्य पौराणिक मठ मंदिरों व अन्य स्थलों तक ले जाएंगी। प्रयास होगा कि रामनगरी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त रामनगरी को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक मेगा सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित प्रवेश द्वार योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी आरंभ हो गई है। अयोध्या को जोड़ने वाले सभी 6 हाईवे पर भव्य प्रवेश द्वार बनेंगे। हर एक हाईवे पर 5 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए भी अवमुक्त हो चुके हैं। रामनगरी अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही भक्तों को राम जन्मभूमि की भव्यता का अनुभव हो, इस मंशा से अयोध्या को जोड़ने वाले सभी 6 हाईवे पर विशेष प्रवेश द्वार बनाए जाने हैं। योजना के अनुरूप प्रवेश द्वार के निकट यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग स्थल सहित अन्य निर्माण कार्यों को किया जाना है। इन प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए शासन से 67 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 25 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। रीजनल टूरिज्म विभाग के अनुसार भूमि क्रय की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। निर्धारित 6 हाईवे पर 30 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए भू स्वामियों से सहमति प्राप्त करने पर कार्य तेजी से चल रहा है। आपको हम बता दें कि किस हाईवे पर कहां पर बनेंगे यह प्रवेश द्वार। इनमें से पहला है लखनऊ हाईवे पर मुमताज नगर व घाटमपुर के पास, दूसरा है रायबरेली हाईवे पर मऊ यदुवंशपुर के पास, तीसरा है प्रयागराज हाईवे पर मैनुद्दीनपुर के पास, चौथा है आजमगढ़ हाईवे पर दशरथ समाधि स्थल के पास, पांचवा है गोंडा मार्ग पर कटरा के पास तथा छठा है गोरखपुर मार्ग पर लोलपुर के पास। आपको हम बता दें कि अयोध्या नगर आयुक्त के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के पश्चात कॉमन बिल्डिंग कोड को लागू करने के लिए एडीए फसाड कंट्रोल गाइडलाइन पर कार्य कर रहा है। अब मंदिर की परिधि और तीनों दर्शन मार्गों को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या को मॉडल नगर के रूप में विकसित करने के लिए 133 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान बनाया गया है। NRSC हैदराबाद ने इसे तैयार किया है। अधिक जानकारी है तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सुनियोजित नगर के रूप में विकसित करने के लिए ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत दूसरे जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुविधा के लिए उनके वाहनों को ऑफ सीजन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से अधिकतम 2 किलोमीटर पहले एवं पर्व व त्योहारों के अवसर पर अधिकतम 5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है। इसके पश्चात शटल बस व इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको कॉमन बिल्डिंग कोड की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।